हेलो, वेलकम टू एग्जाम अफेयर्स। एग्जाम अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम 4 जनवरी से रिलेटेड करंट अफेयर पढ़ेंगे, और मैं हमेशा आपको केवल सिलेक्टेड करंट अफेयर पढ़ाता हूँ। उनसे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। आज के क्लास में हम केवल 2 ही करंट अफेयर पढ़ेंगे, और दोनों के दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो 4 जनवरी को हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है, और ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट। पिछले 2 सालों में भी ये कई एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। इसको 2019 से सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया है। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अब ये ब्रेल क्या होता है? ये भाई ब्रेल क्या है? जो विजुअली हैंडीकैप पर्सन होते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, वो किस तरीके से लिखी हुई चीजों को पढ़ सकते हैं, उसके लिए एक राइटिंग सिस्टम है ये। तो इसके अंदर क्या होता है, एक बुक टाइप की होती है, उसके अंदर उभरे हुए डॉट 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 से होते हैं, और उन डॉट का अपने आप में एक अलग मीनिंग होता है। उन डॉट्स के ऊपर जैसे ही फिंगर्स को जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होता है वो फेरता है, तो उसको उन डॉट्स का मीनिंग समझ में आता है कि इससे कौन सा करेक्टर बना हुआ है, और वो फिर उन डॉट्स की मदद से जो लिखा हुआ है उस सारी चीज को पढ़ लेता है। तो जो फिंगर्स हैं उस विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए, फिंगर्स आईज का काम करते हैं, फिंगर्स आईज का काम करते हैं। तो इस राइटिंग सिस्टम को के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए ये वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? 4 जनवरी को मनाया जाता है हर साल। अब ये ब्रेल होता क्या है? ब्रेल नाम है, किसका नाम है? लुईस ब्रेल का। अब ये लुईस ब्रेल कौन है? लुईस ब्रेल वही पर्सन है जिसने ये राइटिंग सिस्टम एजाज किया था, जिसने ये राइटिंग सिस्टम बनाया था। किन के लिए? जो आंखों से देख नहीं पाते हैं उन लोगों के लिए। तो उसी की बर्थ एनिवर्सरी के तौर पर 4 जनवरी को हर साल, 4 जनवरी को हर साल वर्ल्ड ब्रेल डे मनाया जाता है। और जहां पर वर्ल्ड या इंटरनेशनल डे लिखा होता है, वो सारे के सारे मोस्टली किसके द्वारा स्टार्ट किए गए होते हैं? यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। और जो लुईस ब्रेल है ये किस देश के थे? ये फ्रांस से थे, और 1809 के अंदर इनका बर्थ हुआ था, 1809 के अंदर इनका जन्म हुआ था। इन्होंने ब्रेल लिपि एजाज की थी। इतना समझ में आ जाएगा, मैंने काफी इसके ऊपर फोकस किया है। तो मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई आपके एग्जाम में, ठीक है? याद कर लेना, इसको छोड़ना नहीं है। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं करना है, ना ही इसका कौन से ये कंट्री से था, कब इनका जन्म हुआ था, ये बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आपको चीजें समझाने के लिए है, बस कौन सा दिन कब मनाया जाता है और ब्रेल का मतलब क्या है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। इंडिया के 67वें ग्रैंड मास्टर, इंडिया का 67वां ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? तो लियोन मेंडोन का बिकम द इंडिया 67th ग्रैंड मास्टर। अब ये ग्रैंड मास्टर कौन होता है? जो चेस का गेम होता है उसके अंदर जो विनर होता है, जो प्लेयर होता है, उसको ग्रैंड मास्टर कहा जाता है। तो ग्रैंड मास्टर किससे रिलेटेड है? चेस से रिलेटेड है, चेस के गेम से रिलेटेड है। तो इटली के अंदर एक टूर्नामेंट हुआ, उस टूर्नामेंट के अंदर इंडिया से एक पर्सन, इंडिया से एक लड़का, 14 साल का एक लड़का जो बेसिकली गोवा से बिलोंग करता है, उसने इस टूर्नामेंट को जीत लिया, और जीतने के बाद वो क्या बन गए? ग्रैंड मास्टर बन गए, ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इसका नाम क्या है? लियोन मेंडोन का, लियोन मेंडोन का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। जो चेस से रिलेटेड फेडरेशन है उसका नाम है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है लोसेन स्विट्जरलैंड में, लाओसेन स्विट्जरलैंड के अंदर। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है?
लोसेन स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये थे आज के दो मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, बस यही याद कर लीजिए, इन्हीं से एग्जाम में काम चल जाएगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।